ये बात क्या आ जाए, मैं जैनब को देखकर आ रही हूँ। जैनब क्या कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ जैनब पहले आपको सलाम करेंगी। हाँ, बुला रही हैं आप लोगों को, कह रही हैं ऐसे बोलते हैं आ करके। आप भी शाम कीजिए, सबको दुआएं दीजिए जैनब, और जिस जिसने हमसे दुआ करने को कहा है हम सबके लिए दुआएं करते हैं। आप लोग हमारी दुआओं में शामिल हैं हमेशा। आज मुहर्रम की क्योंकि 9 तारीख है और अभी बस हम लोग उठे हैं, कुछ नजर न्याज भी करनी है। यहाँ पे जिशान भी बैठे हुए हैं। जिशान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है सब हम भी खैरियत से हैं, आप सब खैरियत से होंगे। बस कल का दिन बस जैसा गुजरा है इस तरीके से आपको पता चल ही जाएगा, पता ही चल गया होगा। तो ये है कि आज छुट्टी का दिन है, तो आज हम अपने तीनों बच्चों के साथ, बेगम के साथ, तो और इंशाल्लाह आपसे आज डेली रूटीन के अंदर हम आपसे आज वक्फे से मिलते भी रहेंगे। पहले जैनब से मिलने आप अपनी गुड़िया रानी से। कल आप लोगों ने कहा कि वीडियो नहीं अपलोड हुई, तो आज इंशाल्लाह हम कल की संडे की वीडियो भी आज ही अपलोड कर देंगे। वो बस कल जैनब की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, वो कल आपको वीडियो में पता चल जाएगा और आप देख लीजिएगा कि जैनब की कंडीशन कितनी खराब थी। उसकी वजह से हम भी थोड़ा टेंशन में आ गए थे और कुछ बस यही मसले थे। तो इंशाल्लाह आज ये दोनों वीडियो अपलोड करेंगे। आज की हमारी रूटीन, हमारी इस जो आज की रूटीन है, आज हमारे साथ रहिएगा आप लोग। चल आप लोग बैठे, चल के नाश्ता बना दो। मरीशा, ईशा तुम लोग क्या कर रहे हो? मम्मा नाश्ता निकाल रही है। अरे जैनब से बात कर लेना बेटा, सही है तुम्हारी बहन, सही है, टेंशन नहीं लो, आ जाओ। ईशा तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? मैं नाश्ता कर रही हूं। ये क्या बात की तुमने? तो जल्दी से आओ, नाश्ता करो, सही है तुम्हारी बहन, अब आ जाओ। इंशाल्लाह सबकी दुआएं साथ हैं, बेहतरीन है, बेफिक्र रहो। कल का दिन तो बस जैसे गुजरा गुजरा। हटो, जैनब क्या कर रही है? जैनब, 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 जैनब बीबी, क्या हो गया मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हारे को? आज मरीशा ईशा भी बहुत खुश हैं क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, तो ये ज्यादा खुश हो जाती हैं, एक्साइटेड हो जाती हैं, तीनों बच्चियां खुश हो जाती हैं। आज जैनब बीबी भी हमारे साथ हैं, ये लोग भी साथ हैं, और अब बेगम नाश्ता बना रही हैं, चलते हैं। चलो मरीशा ईशा, चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जैनब अभी आ रहे हम। चल याद है वहां पे बैठी हुई थी जैनब से खेल रही थी, सही है तुम्हारी बहन बेटा। निशान चाय तैयार हो रही है, मैं चाय निकाल रही हूँ, यहाँ चाय, बस चाय निकाल रही हूँ यार, दे रही हूँ ना मैं ये ना आपकी चाय। तीन तक तो मैं तीन चाय पी लेता हूँ, सुबह दुकान वही शाह आपने ईशा को दो, शुरू तो करें आप लोग, तुम तो आओ, मैं कर लूंगी। सही बेटो, ये चाय तो बहुत ज्यादा है मेरी, इतनी सी चाय भी नहीं पी रही ईशा आप, बहुत ज्यादा है। तुम लोग की यार लड़ाई से बड़ा तंग हुए, चले चले बच्चे ऐसे ही करते हैं लोग, चलो पता नहीं लोगों को चाय क्या। सबको आप लोग भी आ जाए, नाश्ता कर लें, आ जाए फ्रेंड्स, आप भी सब नाश्ता कर लें। यार मैं जैनब को देख कर आ जाओ, तुम भी आ जाओ नाश्ता कर, मैं जैनब को देख लूँ, आप लोग करें तो मैं आ रही हूँ, ठीक है? अरे नाश्ता कर लो, करे तो मैं जैनब को देख कर आऊँ अपनी गुड़िया रानी को पहले, फिर मैं नाश्ता करूंगी। जैनब आपकी तबीयत सेट है? जैनब ने तो फीडर पी ली। जैनब आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है, अम्मा नाश्ता कर लें, चाय पीकर आए। जैनब बीबी हंस के दिखाइए पहले मुझे पारी से स्माइल, अल्लाह। चलो अम्मा जा ली है, फिर आके बातें करेंगे।
चले जनाब मैं भी जरा नाश्ता कर लूँ इन लोगों के साथ, वरना जीशान को गुस्सा आ जाएगा कि नाश्ता नहीं कर रही है साथ में। यहाँ मैंने अपनी गुड़िया रानी को भी देख लिया और मैं अब जा रही हूँ बाबा के पास नाश्ता करने जा रहे हैं। जनाब आप करेंगी, यहाँ लेकर आ जाऊँ मैं अपनी गुड़िया के पास? लेकिन गुरु घर का दिन तो जैसा गुजरा, गुड़िया तो बड़ी अच्छी लग रही है। अल्लाह का शुक्र है छुट्टी मिली, दो दिन छुट्टी रहेगी ना। कल तो देना में हिला दिया मेरे को यार। हाँ बेटा आ रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगा, आपको ही भूख लग रही होगी। आ रही हूँ आज चुको चुको कितना खुश हो रही है, देखिए बाबा आज खेल रहे हैं ना, आज बाबा की छुट्टी है। जैनब गुड़िया कितना खुश हो रही है, बाबा की छुट्टी है जैनब के, अल्लाह निशान ने इनका नाम रखा है कुकू है ना। थक गई जिशान, वो क्या आप कपड़े बताएं कौन से पहनेंगे? कपड़े दो, वाले दो। ये वरीशा ईशा क्या कर रही है, कपड़े मुझे बता दीजिए फिर कपड़े प्रेस हो जाएंगे। नाश्ते के ऊपर पानी कौन पीता है चाय पर? गरम पिया। नहीं बेटा गरम पे कभी भी चाय पे ठंडा पानी नहीं पीते, कितनी बार सिखाऊं। चलो जल्दी जल्दी बेटा मेरे साथ चीजें उठवा लो जरा, ताकि मैं बर्तन जो है जल्दी से धो लूं। ईशान वहाँ वॉशरूम के नल में ना पानी नहीं आ रहा। ईशान वॉशरूम के नल में पानी नहीं आ रहा, प्लम्बर को कॉल कर दें यार, आज आप घर में है ना। अबे यार अभी साथ में बैठा हूँ, एक ही तो छुट्टी है, दो छुट्टियां पहले थी। अब वो पानी नहीं आ रहा वहाँ पे, ईशा आवाजें लगा रही है वॉश बेसिन में, कॉल कर लें। दिखाओ क्या हुआ। एक मिनट ये देखिए, ये वाला सीधे हाथ का खोल है तो पानी कैसा आ रहा है। अबे यार काम बढ़ गया, एक और आप उसको कॉल कर दें प्लीज। ईशा अभी तक नहाने नहीं गई तो बेटा उधर तो आ रहे ना शावर में, आप नहाने जाओ जल्दी, कॉल करना। यहाँ जैनब के लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाल दिया है और मैं इनके कपड़े जो है वो प्रेस कर रही हूँ। इसके साथ ये इनका ट्राउजर है, आज के दिन इनको कपड़े चेंज कराऊंगी, दूसरे वाले पहनाऊंगी। ये इनके ईद के कपड़े हैं जो मैं इनको पहना रही हूँ, इसके दूसरे दिन पहनाए थे। तो जैनब को भी तैयार करना है और इनके बाबा बैठे हैं और हम यहाँ पर नमाज से फारिग होने के बाद हम लोग सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं जोहर की नमाज के बाद। और जैनब को भी तैयार कर दिया है। जैनब को नींद आ रही है, जैनब को नींद आ रही है क्या? जैनब के लिए कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है दुआ मांगने के लिए अल्लाह पाक के हुजूर। यहाँ पे वरीशा ईशा भी माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ रही है और सूरह बकरा की तिलावत हो रही है, मैं भी पढ़ रही हूँ। देखना बेटा कौन है, देखना वरीशा। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और मैं खीर बनाने के लिए आज काम किया था। ईशान आ गए बेटा, फैन ऑन कर दो। मैंने आपसे कहा था एक दिन पहले ला के रख दें। अरे ये जैन से निकल गया, दूध भी आया सही, बादाम भी आया। मुझे ये बताओ ये चावल तो है ना, चावल है। नहीं नहीं चावल हैंगे और ठीक है, दूध आ गया है, चीनी भी आ गई है, बादाम पीसते हैं। चले मैं खीर दूध बॉईल करने रखती हूँ। भाई गर्मी बहुत है। चलो ठीक है। Thank you.
कौन है? यहाँ पे हमारी मैट भी आ गई है और अब सफाई का टाइम है, सफाई करा लूँ मैं जल्दी से, काफी देर हो गई है। ये ईशा किस तरह पढ़ा जा रहा है? आपका सिपारा पूरा नहीं हुआ? ये जैनब के पास इस तरह पढ़ा जा रहा है? जैनब को सुना रही हूँ मैं। अच्छा चलो बेटा बैठ बैठ के पढ़ो, इनका प्यार दिख रही है अपनी बहन के साथ, यहाँ बैठ के पढ़ा जा रहा है लेट के माशाल्लाह से। और ये भी माशाल्लाह हंस रही है। जैनब ये का शरारती हो रही है? ये देखे कितनी मोहब्बत है अपनी बहन को, लेट के उसके कानों में सुना रही है ये कुरान शरीफ। यहाँ मैं जैनब के लिए सीरियल लेकर आ गई हूँ और जैनब को मैंने खिलाया भी है थोड़ा सा। जैनब सीरियल खाएंगी? खाएंगी, लेकिन जैनब का मुंह चलेगा। जैनब सीरियल खाएंगी? जैनब, जैनब सीरियल खाती है? क्यों उदास है जैनब? देर हो गई, सीरियल खाना है गुड़िया को खाने? चलिए मैं जैनब को यहाँ पे सीरियल खिलाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने बादाम पिस्ते काट लिए हैं खीर के लिए, और ये मोहल्ले से हमारे सब तरफ से नजर न्याज आ चुकी है। अब जल्दी से मैं भी खीर की तैयारी कर लूँ। और यहाँ पर जो है वो मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है खीर के लिए, थोड़ी देर में बस खीर भी तैयार हो जाएगी। जब तक यहाँ मैं चावल धो रही हूँ खीर के लिए और चावल भिगो कर रख रही हूँ। परीक्षा में जब प्यालियाँ निकाल दें आप, और भी है ना प्यालियाँ, जितनी भी प्यालियाँ आपको निकालो, उनको से प्यालियाँ निकाल दी, उनको साफ करना है बस। भी जहाँ इनको आप साफ करना है। शाम अभी गर्मी में चाय पियेंगे? शाम की चाय दुकान याद आ रही मुझे आज। अच्छा चले मैं चाय दे रही हूँ थोड़ी सी, खा लेना खीर वगैरह। खीर नहीं खाना, चाय दे दो बस। अच्छा सर मैं हमने पूरियाँ खाई है ना, पूरियों का नाश्ता करा है तो शाम को भूख भी नहीं लग रही होगी अभी। मैं चाय दे रही, चाय दे दूंगी, चाय दे रही हूँ मैं, एक मिनट रुके। परीक्षा जैनब के पास? अच्छा मैं जैनब को देख कर खीर बना रही है आज तक। ईशा तुम क्या कर रही है इतनी देर से? टैबलेट देख रही हो? वहाँ मम्मा काम कर रही हूँ, अकेली लेटी हुई है और टैबलेट देख रही हूँ यहाँ पर। अभी तो मैं हाथ पट पा के आई हूँ, मैं इतनी सी प्यारी है क्या धो ली तुम तो इतराने लग जाती हो। अभी तो करके आई हूँ, बातें कर लो, बोर हो रही है वो भी बिल्ली। चलो जैनब मम्मा के साथ थोड़ा सा हाथ बटवा लूँ, ईशा तुम जैनब से बातें करो। बंद करो टैबलेट, कर ली हूँ ना, कितना देखूंगी सुबह से हाथ में ही है। अभी अभी लेके बैठ, ईशा टैबलेट देख रही थी, सुना दिया उसको याद क्या हो गया पता नहीं होगा, वो टैबलेट ही देखती है। मुझे चाय दे दो, चाय बन रही है, देखिए चाय मेरी ये हलीम है, यहाँ निकाल दी हलीम, मुझे चाय चाहिए, लाओ जल्दी से लाओ। चाय रखी हुई निशान, ये देखना रख दिया है मैंने चाय का पानी, ये है एक मिनट रुक जाए, रुक जाए मेरी नमाज को भी देर हो रही है यार, असर का टाइम होने वाला है, खीर भी बांटनी है। चले मैं बनाने रख दी है ना, बनाने रख दिया यहाँ पे दूध भी। मनीषा बाबा को हलीम दे दो तुम, तो ऐसा दावत में आई हो। तेरे अभी खा लेना, ईशा ने कितना भर दिया। अरे तुम चाय दे दो, बाकी सब कुछ छोड़ो। हलीम मिल रहा है, हलीम मांगो तो चाय मिल रही है, चाय बना ली चूल्हे पे। तुम माशाल्लाह माशाल्लाह, तोड़ दो अनिशा ऐसे ही पांच है, चार ले जाएंगे। अच्छा तुम लोग तो मेरी टीचर हो गई ऐसा लग रहा है। चलो बैठ जाओ, आज तुम भी कर लो। अच्छा बैठो, तुम भी कर लो।
शिकायत कर रही है, मना कर रही हो। खालू खालू बेटा खा लो, अगर नहीं भी बोलेगी तब भी खा लो। अब तुम चाय भी नहीं आओ, कब से बोला है जिशान चाय की छन्नी ला दे मुझे, सारी छन्नी खराब हो गई है। चाय तो पतीला भी ला दूंगा, तब ला। चले ये ले जिशान चाय, चाय ले लें। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। आप पियोगे चाय? दूर चली गई थी ये चाय। आज बैठिए, तुम भी बैठिए। सलीम तो निकाल लें, आप बच्चियों को दे दें। निकाल निकाल, तुम भी आ जाओ। यहाँ ये मैंने खीर भी तैयार कर ली है, फिर नहीं तैयार करी है मैंने, और बस ज़ैनब के साथ होते हुए जो मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। दिल तो बहुत चाहता है कि बहुत कुछ करूँ, बहुत कुछ बनाऊँ, बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और यहाँ पे तमाम देने के लिए प्यालियाँ सबके घरों में तैयार हो गई हैं, बच्चियों के हाथी उसमें बंटवा दूँ। ये बादाम पिस्ते भी काट लिए मैंने, और ये इनके अप्पू के यहाँ से आया है, उन्होंने भेजा है, जजाकल्ला। और परीशा ईशा आप भी आ जाए, ताकि मैं जल्दी से बेटा ये बांट दूँ, नमाज पढ़ लो, फिर मैं भी जा रही हूँ। तो जनाब ये सब तैयार हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं इनमें बादाम पिस्ते डाल दूँ जल्दी से, आप लोग जल्दी से तैयार हो और ये सब बांट कर आ जाओ मोहल्ले में। परीशा ईशा पहले बांट के आ जाओ, चलो खा लो, पहले खा लो, इतनी खीर ठंडी हो रही है। और ये बांट के आ जाए, मैं ज़ैनब को देख कर आ रही हूँ, ज़ैनब क्या कर रही है। परीशा इतनी ठंडी हो रही है, आप खा लो, मैं जरा ज़ैनब को देख कर आऊँ, अपनी गुड़िया को भी, कि मेरी गुड़िया भी तो खाएगी। ज़ैनब क्या कर रही है? ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब क्या कर रही है? ज़ैनब, चांद का टुकड़ा। ज़ैनब सो गई है? ओए अल्लाह, इतने आराम से सो रही है, मेरी गुड़िया रानी तो सो गई है। चलें, जब ज़ैनब उठेंगी हम। घर में सो रही है, सो भी गई है। सुकून से सो गई। चलिए जब ज़ैनब उठेंगी, जब ज़ैनब भी खीर खाएंगी, मेरी गुड़िया सो जाती है ना, घर में सन्नाटा हो जाता है। चलिए जनाब, यहाँ पर ज़ैनब बीबी तो सो चुकी हैं, और यहीं पर ही हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, और बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या है, आप तो हमारी अपनी फैमिली है, अपने इस चैनल का इसी तरह ख्याल रखिए, क्योंकि ये हमारा नहीं, आपका चैनल है, आपकी अपनी गुड़िया रानी का चैनल है। और आज का दिन तो वैसे भी बड़ा उदास ही गुजर रहा है, क्योंकि शहदाए करबला की याद हर साल की तरह दिल में इन दिनों में ताज़ा हो जाती है। और ज़ैनब के सोने के बाद मैं भी कुछ देर रेस्ट करने के बाद नमाज कुरान करूं, और जब ये बेबी उठ जाएंगी तो फिर इनकी केयर करनी पड़ेगी। आप लोग अपनी दुआओं में, मोहब्बतों में याद रखिएगा, और वीडियो जो देर में अपलोड हुई है उसके लिए हम बहुत माजरत चाहते हैं। आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग इतनी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं अपनी गुड़िया, अपनी दुआओं और अपनी मोहब्बतों के साए में हमें इसी तरह रखें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैंने पढ़े, लेकिन माजरत चाहती हूँ जवाब ना दे सकी, और कोई बात बुरी लगी हो, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपकी इतनी हिम्मत अफजाई का और इतनी मोहब्बत का फिर तहदिल से शुक्रिया। आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि जिशान तो है नहीं, वो भी आपको अल्लाह हाफिज़ कहते और वो कहीं चले गए काम से। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।